आज के स्टूडियो में हम जानेंगे कि होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क की क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, होमोजेनाइजेशन क्या है और यह क्यों की जाती है, यह सब हमने होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क में पहले ही जान लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसे अवश्य देख लें, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, होमोजेनाइजेशन करने से दूध में मौजूद फैट ग्लोबुल्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, जिससे स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के दौरान दूध में से क्रीम लेयर अलग नहीं होती। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ होमोजेनाइजेशन। पहली तो यह एडवांटेज है कि होमोजेनाइजेशन करने से क्रीम लेयर अलग नहीं होती और दूध की यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। सेकंड एडवांटेज है, होमोजेनाइजेशन करने से दूध की वाइटनेस यानी सफ़ेदी ज़्यादा हो जाती है और दूध का रंग ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देने लग जाता है। थर्ड एडवांटेज है, होमोजेनाइजेशन करने से दूध में मौजूद फैट अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, जिससे दूध का फ्लेवर भी बढ़ जाता है। अब दूध फुल बॉडी फ्लेवर और बेटर माउथफुल बन जाता है। फोर्थ एडवांटेज है, क्रीम लेयर नहीं बनने से फैट ऑक्सीडेशन की सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है। फिफ्थ एडवांटेज है, होमोजेनाइजेशन मिल्क से बने कल्चर्ड मिल्क प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। सिक्स्थ एडवांटेज है, होमोजेनाइजेशन करने से फैट की टर्निंग भी नहीं होती। होमोजेनाइजेशन करने के फायदे के साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ होमोजेनाइजेशन। पहले डिसएडवांटेज है, होमोजेनाइजेशन करने से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में एक एडिशनल स्टेप बढ़ जाता है, जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। सेकेंड डिसएडवांटेज है, होमोजेनाइजेशन करने से दूध में मौजूद बैक्टीरिया के क्लम्प्स भी फैट ग्लोबुल के साथ टूट जाते हैं, जिससे ओवरऑल बैक्टीरियल पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है। थर्ड डिसएडवांटेज है, होमोजेनाइज्ड मिल्क की सनलाइट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिससे सनलाइट फ्लेवर दूध में प्रोड्यूस हो सकता है। फोर्थ डिसएडवांटेज है, होमोजेनाइजेशन करने के बाद दूध क्रीम सेपरेशन के लिए सुटेबल नहीं रहता, ना ही फर्दर फैट रिच डेयरी प्रोडक्ट्स में होमोजेनाइज मिल्क काम आता है। फिफ्थ डिसएडवांटेज है, होमोजेनाइज दूध से केवल सॉफ्ट कर्ड बन सकता है, इसलिए होमोजेनाइज मिल्क हार्ड और सेमी हार्ड चीज बनाने के लिए स्टेबल नहीं रहता। लास्ट डिसएडवांटेज है, होमोजेनाइजेशन करने से दूध की हीट स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ अब आप होमोजेनाइजेशन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे।